टीवी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक श्वेता तिवारी काफी समय से अपने हॉट लुक को लेकर चर्चा में है। वो अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरों को लेकर के इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं, जिनको लेकर के फैंस सुपर एक्साइटेड रहते हैं। इसी तरह से उनकी बेटी भी पलक तिवारी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं अपनी खूबसूरती को लेकर के, क्योंकि वो बिल्कुल ही अपनी मम्मी पर गई हैं। वेल, आपको बता दें कि श्वेता तिवारी का फिलहाल एक वीडियो वायरल हो रहा है। बहुत ही ज्यादा तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इस वीडियो को देख करके लोग तरह तरह के कॉमेंट्स भी कर रहे हैं। वेल, आपको बता दें कि इस वीडियो में एक शख्स श्वेता तिवारी को गलत तरीके से छूता नजर आ रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में एक्ट्रेस ने रॉयल ब्लू कलर की ऑफ शोल्डर वन पीस ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें वो बेहद सेक्सी लग रही हैं। वो एक अप्सरा की तरह दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि इस एक्ट्रेस को इस ड्रेस में देखकर फैंस भी सुपर एक्साइटेड हो गए हैं। इस ड्रेस को पहनकर उन्होंने सौरभ राज जैन के साथ मस्ती भरे अंदाज में डांस किया है। हालांकि सौरभ राज जैन ने डांस करते हुए श्वेता तिवारी को बार बार गलत तरीके से छुआ, ऐसा वीडियो पर लोग कह रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद श्वेता के फैंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। इस बात को लेकर सौरभ की क्लास भी जमकर लगाई गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत दो बच्चों की मां के लिए ठीक नहीं है। हालांकि जैसे ही इस तरीके की मोमेंट हुए, उसके बाद श्वेता तिवारी अलग हो जाती हैं। वो उनसे दूर होकर के डांस करना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये दोनों डांस करते हुए काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे। इन्होंने बहुत ही अच्छी डांस परफॉर्मेंस दिया, जिसके बाद से फैंस भी सुपर एक्साइटेड हो गए हैं। वेल, आपको बता दें कि श्वेता तिवारी की दो शादियां हुई थी और दोनों शादियां फेल हो गई। फिलहाल श्वेता तिवारी के दो बच्चे हैं, पलक तिवारी बेटी और एक बेटा है। वेल, आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये डांस कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।